फ्रेंड, जब भी कभी आप टैब लेने जाते हो तो कहीं ना कहीं नाम Realme Pad 2 का भी आता है, जो कि काफ़ी सस्ता, प्रीमियम एंड बढ़िया टैब है। एंड फ्रेंड्स, क्या इस टाइम पे ये टैब आपको खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसका लुक क्या है, फीचर्स क्या है, और इस टाइम पे ये टैब आपको कौन कौन से फीचर्स दे रहा है, एंड इस टाइम पे क्या ये आपको बाय करना चाहिए या फिर इससे अच्छे टैब मार्केट में आ चुके हैं, सारा कुछ बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ Realme Pad 2 के फीचर्स के बारे में। आपको बता दूँ, ये जो टैब है वो दो वेरियंट के साथ में आता है। एक तो वेरिएंट है इसका ओनली वाईफाई वाला, जो कि 6GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट है। एंड इसकी कीमत अगर बात करें तो 17,999 रुपये का मिल जाएगा। और एक टैब है 6GB रैम 128GB रोम, और इस टैब में आपको वाईफाई प्लस 4G का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये दोनों टैब हैं, एंड इस टैब की कीमत जो वाईफाई प्लस 4G वाला है, इसकी कीमत लगभग 20,000 रुपये है। अगर दोनों टैब में अगर आप ऑफर लगाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 1500-2000 रुपये और छूट जाएंगे, बच जाएंगे। तो ये कहीं जाके आपको 18,000 रुपये का 4G प्लस वाईफाई वाला मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, अगर लुक की बात करें तो बैक पैनल में इसमें मेटल भरी हुई है, मतलब मेटल फ्रेम के साथ में आता है। एंड काफ़ी कूल डिज़ाइन इसका मुझे लगा, एंड प्रीमियम क्वालिटी का है, काफ़ी स्लिम है, आप अगर इसे पकड़ेंगे बहुत स्लिम है। एंड टैब में कोई भी दिक्कत नहीं है। चार आपको क्वाड स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी लाउड एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी आपको देते हैं। अगर फ्रेंड्स इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 11.5 इंचेस का इसमें 2K डिस्प्ले लगाया गया है, जो कि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। एंड उसी के साथ साथ अगर बैटरी की बात करें तो इस टैब में आपको 8360 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, उसके साथ में 33 वॉट का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। एंड बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, 5 से 6 घंटे बैटरी आराम से, आप अगर कंटेंट देखते हैं तो रुक जाएगी। एंड क्वाड स्पीकर का सपोर्ट है, तो कंटेंट देखने में तो एक नंबर ये टैब होने वाला है। उसके साथ में अगर कैमरे की बात करें तो टैब से कोई फोटो वगैरह नहीं खींचता है, कभी कभार आप वीडियो कॉलिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं तो इस टैब में आपको 8MP का कैमरा बैक में और 5MP का कैमरा फ्रंट में देखने को मिलता है। बैक में हालांकि 2MP का एक और कैमरा लगाया गया है, जिसका कोई ज़्यादा खासा काम नहीं है। एंड फ्रेंड्स, अगर प्रोसेसर की बात करें तो इस टैब में आपको मिलता है MediaTek का G99 प्रोसेसर। उसी के साथ ही इस टैब में आपको Android 13 का सपोर्ट मिलता है, जो कि काफ़ी पीछे हो चुका है, एंड कोई भी अपडेट्स अब इस टैब में देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको सारे इस टैब के फीचर्स बता दिए हैं कि कौन कौन से फीचर्स के साथ में अभी ये टैब आ रहा है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं क्या ये टैब आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको डिफाइन करता हूँ। देखिए, अगर आपके घर पे वाईफाई लगा है तो आप इस टैब को बाय कर सकते हैं, क्योंकि वाईफाई का वेरिएंट है, और अगर 4G वेरिएंट भी लेंगे तो वो भी थोड़ा सा आपका पीछे का वेरिएंट है, कोई भी अपग्रेडेड वेरिएंट नहीं है। एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर दो एंड्रॉयड सपोर्ट जो भी आए हैं, एंड्रॉयड 14, 15, वो भी आपको इस टैब में देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आपको अब इसमें देखने को मिलेगा। ये तो रही देखिए सॉफ्टवेयर एंड 4G 5G की बात। अब देखिए, अगर आपको 4G टैब पसंद नहीं आ रहा है, 5G पसंद आ रहा है, तो इस टैब को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये 4G टैब है, आपको सिम डालनी है, तो आप 4G टैब की अपेक्षा 5G लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि 5G कनेक्टिविटी अब काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो आप 5G टैब की तरफ थोड़ा सा मन बनाइए, आपको 5G टैब मिल जाएगा, जिसमें आपको एंड्रॉयड सपोर्ट भी शायद एंड्रॉयड 15 का मिल जाए, एंड हो सकता है अपडेट्स भी अच्छे मिल जाएं, एंड हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट दोनों काफ़ी अच्छे मिले। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं देखिए प्राइजिंग की, तो प्राइजिंग काफ़ी ठीक ठाक है इस टैब की। इस प्राइजिंग पे आपको और भी कई सारे टैब देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखिए, आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इस टैब में आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, आप कोई हैवी टास्क के बारे में सोचिए ही मत कि इस टैब में आप करेंगे, जैसे एडिटिंग हो गई, या फिर आप कोई बड़ा गेम खेलना है जैसे BGMI वगैरह, तो इस टैब में नहीं चलने वाले हैं, टैब दिक्कत दे जाएगा आपका, क्योंकि इस टैब में जो प्रोसेसर है वो उस गेम को या फिर जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसे प्ले ही या फिर रन नहीं कर पाएगा। तो एडिटिंग वगैरह जो हैवी टास्क है वो नहीं हो पाएंगे इसमें। आप सिंपली जैसे आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, कंटेंट देखना पसंद करते हैं, वो आप देख सकते हैं। हल्के फुल्के गेम जैसे टेम्पल रन, कैंडी क्रश वगैरह इसमें खेल सकते हैं, जो हल्के फुल्के गेम्स हैं। थोड़ा बहुत आप अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं वो भी आप इसमें नोट्स वगैरह बना सकते हैं। कोई भी एस पेन वगैरह आपको इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि सैमसंग में एस पेन आते हैं, जो कि लिखने में काफ़ी बढ़िया होते हैं।
उसी के साथ आप इसमें छोटा मोटा वर्क और भी कर सकते हैं, कोई हैवी टास्क आप इसमें ना करिए, वो ज़्यादा बेटर है। और रही इसे खरीदने की बात, तो 2024 के अंदर आप समझदार हैं, अगर आपको 5G चाहिए तो किसी दूसरे आप टैब की तरफ देख सकते हैं, हो सकता है रियलमी का ही कोई दूसरा आया हो उसकी तरफ जा सकते हैं, वन प्लस के भी कई सारे हैं, सैमसंग के भी हैं, आईपैड्स भी हैं, वो थोड़े से प्रीमियम आ जाते हैं, लेकिन आपको ऑसिस वगैरह, लेनोवो और ये सारी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ प्रोवाइड करा देते हैं। कहीं ना कहीं देखिए ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, बाकी आपका देखिए मन है कि अगर आप मन बनाते हैं इसे खरीदने का तो खरीद सकते हैं। टैब बढ़िया है क्योंकि आपको अगर वाईफाई लगी है अगर पे तो कनेक्ट करने के बाद आप उसे चला सकते हैं, आपको कोई 4G 5G नहीं देखना है, लेकिन अगर सिम डालना है तो 4G 5G आपको देख के लेना पड़ेगा क्योंकि अगर लेटेस्ट वर्जन आप लेना चाहते हैं। तो सारी कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं मैंने, बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी अगर दिक्कत हो तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी होपफुली कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना क्योंकि ऐसे टैग रिलेटेड वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।